गोविंदगढ़ फोर्ट एक ऐसा किला जिसका इतिहास से नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन अमृतसर आने वाले बहुत कम लोग इस किले के बारे में जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के कुछ सालों में पंजाब सरकार द्वारा इस किले को आम जनता के लिए खोला गया है। आज इस किले के इतिहास के बारे में कुछ बातें आप लोगों से साझा करेंगे। इस किले में ये जो बड़े बड़े गेट आप देख रहे हैं, अपने समय का ये बहुत ही भव्य किला हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि आरंभ में 1760-1770 के दशक में यह किला गुजर सिंह किले के रूप में जाना जाता था। उस समय यहां भंगी मिसल के शासकों का शासन था। इस किले की प्राचीर, बड़े बड़े गेट, अगर इनके बारे में बात की जाए तो देख के लगता है ईंटों और चूनों से बनाया गया यह किला बेहद मजबूती से आज भी खड़ा है। इस किले की प्राचीर पे कुल 25 तोपें, जो आज भी हम लोग देख सकते हैं, लगी हुई हैं। और ये बड़े बड़े नाले जहां अपने समय में पानी भरा हुआ करता था, ताकि कोई इस किले में मुख्य द्वार के अलावा अंदर ना आ सके। लेकिन 1805 में इस किले का नाम बदलकर महाराजा रणजीत सिंह ने जब इस पर 5 बड़ी तोपों के साथ कब्जा कर लिया था, जिसमें झमझमा तोप भी थी, जिसे बंगियंती तोप के रूप में भी जाना जाता था, बाद में उसे किमगन के रूप में जाना गया। महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले को और मजबूत कराया और फिर इस किले को अपने 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर गोविंदगढ़ का नाम दिया गया। इस किले में 4 विशाल दुर्ग, 2 लोहे के मजबूत गेट और 1 परकोटा है। 1849 में इस किले पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया था। यहाँ दरबार हॉल, हवा महल, फांसी घर बनवाए गए। ऐसा भी कहा जाता है कि 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने वो कांड करवाया था जनरल डायर, उनके रहने का स्थान फांसी घर के ठीक सामने था, ताकि वह कैदियों को दी जा रही फांसी का आनंद ले सके। ऐसा भी कहा जाता है कि आजादी के बाद भारत आने वाले अप्रवासी पाकिस्तानियों को अस्थाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने इस किले को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ऐतिहासिक घटना का साक्षी रहा यह किला। 2006 में पंजाब सरकार ने आम लोगों के लिए खोल दिया और साथ ही इस किले में आपको 70 शोज देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि गोविंदगढ़ का इतिहास क्या था और कैसे महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले में अपना कब्जा किया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आज की तारीख में इस किले के अंदर कुछ दुकानें खोली गई हैं और ये कोशिश की गई है कि पंजाब का जो कल्चर है उसको यहाँ दिखाया जाए, ताकि लोग उसे देख के पंजाबी कल्चर को महसूस कर सकें। सो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसी वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं, उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दिन ढलने के बाद यहाँ पे होने वाला लाइट
एंड साउंड शो, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत और रोमांचक होता है। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।